उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने। एक व्यक्ति की मौत, दर्जनों बीघे गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के औसानपुर गांव के सिवान में कंबाइन मशीन से गेहूं की फसल की कटाई की जा रही थी। बिजली के तार खंभों पर मौत बनकर दौड़ रही थी। ग्रामीणों की माने तो तेज हवाओं के बीच बिजली के तार आपस में टकराए, शॉर्ट सर्किट से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दर्जनों बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मृतक व्यक्ति की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है, जो महाराजगंज जिले के फरेंदा का रहने वाला बताया जा रहा है। तेज हवाओं के बीच आग ने एकदम विकराल रूप ले रखा था। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर किसी तरीके से काबू पाया। फायर ब्रिगेड की वही पुरानी कहानी, फोन करने के बाद भी घंटों तक नहीं पहुंचती। हालांकि गनीमत रही, काफी देर बाद पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। लेकिन इसमें बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक आदमी ने अपनी जान गंवा दी। गरीबों की खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। देखना ये होगा कि इसमें किस तरीके से जिले के आला अधिकारी जांच करेंगे और बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई किस तरीके से करेंगे, या आए दिन उनकी लापरवाही से लोगों के घर खेत जलते रहेंगे, लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। मतलब जो है चिंगारी, हाँ। तार से चिंगारी निकला तो खेत में गिरा, इसके वजह से आग लग गया। आग लगने लगा तो मतलब जो आदमी नीचे था वो मतलब जो है देख रहा था, लाइन बता रहा था गाड़ी को चलने के लिए, तो वो मतलब जो है उसके चपेट में आ गया गाड़ी। ये कहाँ का रहने वाला था जो जिसकी मौत हुई है? ये स्टार जो है मतलब वहाँ का साइड का। अच्छा, कितने उम्र रहे होगी? नियर अबाउट 35 साल। ये कितनी बड़ी लापरवाही है बिजली विभाग की? बहुत बड़ी लापरवाही सर, इसी वजह से हर साल मतलब जो है कहीं ना कहीं हादसा होता रहता है। जैसे मतलब हमारे दूसरे गांव में भी, वहाँ भी तारी है हाल, वहाँ पे भी मतलब परेशानी होती है। ये बताए, आग लग चुकी है, फसल पूरी तैयार है, दिन में बिजली विभाग वाले लाइट दे के रखे थे? जी जी सही है। आपके करीब 1 बजे मतलब जो है 12:30 के बीच, 12:30 बजे करीब ये सब गलत बात है। जब सूचना हमको मिली है तब हम आए, स्वयं आए हैं और सभी कर्मचारी हमारे मौजूद हैं। आग कितनी मशक्कत के बाद बुझाया गया है? आग काफी प्रयास के बाद बुझाया गया है और आप लोगों के सामने ही बुझाया गया, आपको स्वयं देखे। तो लगभग कितना फसल नुकसान हुआ होगा? लगभग किसानों के बताने अनुसार 6 बीघा एक आदमी बताए हैं, एक आदमी 5 बीघा बताए हैं। छोटे दादा का 6 बीघा और निषाद अहमद का 5 बीघा बताया गया है। सर, डुमरियागंज तहसील बहुत बड़ी है, यहाँ कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं? यहाँ बस फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है पानी वाली है और 2 गाड़ी खाली है, उसमें पानी की व्यवस्था करना पड़ता है तालाब से। अगर पंचायत से भी कोई व्यवस्था नहीं है, न तहसील से, कहीं से कोई व्यवस्था, टंकी का भी कोई व्यवस्था नहीं है पानी भरने का। तो सर ये पत्राचार किया गया कई बार। सर ये खड़ी फसल का सीजन है, अक्सर आग लगती है, तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है पानी लेकर जाना, कहीं आग लगती है? बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और कई बार हम लोग नगर पंचायत में पानी की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, लेकिन व्यवस्था अभी तक हुआ नहीं। अब हम जाएंगे तालाब में या नदी में पानी भरेंगे। नगर पंचायत में सर 6-7 टंकियां लगी है, लेकिन कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।